हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम बनाने वाले हैं दाल तड़का। आई थिंक दाल तड़का सभी लोगों का काफी फेवरेट होता है और ये बहुत ही अच्छा एक प्रोटीन का सोर्स है सभी वेजिटेरियन के लिए। तो चलिए देखते हैं हम सिंपल सी दाल को कितना टेस्टी बना सकते हैं ताकि सब लोग उसको शौक से खाएं। लेट्स गो। दाल तड़का बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक कप अरहर की दाल ली है, इसे तूर की दाल भी बोलते हैं। मैं यहाँ पर इसमें एक चौथाई कप मूंग की दाल ऐड कर रही हूँ। आप चाहें तो इसमें चने की दाल भी ऐड कर सकते हैं सेम प्रोपोर्शन में। मूंग की दाल यहाँ पर हम इसलिए डाल रहे हैं ताकि दाल तड़का को थोड़ी सी थिकनेस मिले। अरहर की दाल कई बार दाल अलग और पानी अलग हो जाता है। अब हम इन दोनों दालों को मिक्स करके अच्छे से वॉश कर लेंगे एटलीस्ट दो बार। उसके बाद आप कम से कम इसको 10 से 15 मिनट के लिए सोक होने के लिए छोड़ दें, क्योंकि कई बार जो दाल होती है वो पॉलिश्ड होती है, सोक करने से उसके अंदर जो भी पॉलिश है वो निकल जाती है। यहाँ पर इस दाल को बॉईल करने के लिए मैंने यहाँ 1.5 कप पानी लिया है, आधा चम्मच हल्दी और आधा चम्मच नमक डाल रहे हैं हम। इसको कवर करके एटलीस्ट 3 सीटी तक पकाएंगे। यहाँ पर हम दाल में 2 छौंक लगाएंगे। पहले छौंक के लिए मैं यहाँ पर 2 से 3 टेबलस्पून घी ले रही हूँ। गैस को हमें मीडियम फ्लेम में रखना है, हाई फ्लेम में नहीं रखना है। अब मैं इसमें 1 टीस्पून गार्लिक ऐड कर रही हूँ, 1/2 टीस्पून जिंजर। जब हमारा जिंजर और गार्लिक में से खुशबू आने लगेगी उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून जीरा, 1/4 टीस्पून हींग। इनको भी हम गोल्डन ब्राउन होने देंगे। हमेशा अगर आप जीरे या हींग का या किसी भी मसाले का बहुत अच्छे से फ्लेवर चाहते हैं तो आप हमेशा उसको मीडियम फ्लेम पर ही रोस्ट करें। जब आपका जीरा अच्छे से भुन जाए उसके बाद हमें यहाँ पर 1 मीडियम साइज अनियन को चॉप करके ऐड करना है। इसको भी हम गोल्डन ब्राउन होने तक सॉटे करेंगे। जब ये गोल्डन ब्राउन हो जाएगी हम इसमें अपने मसाले ऐड करेंगे। यहाँ पर मैं 1/2 टीस्पून देगी मिर्च और 1/2 टीस्पून धनिया ऐड कर रही हूँ। हम इसको मिक्स कर लेंगे और ट्रांसलूसेंट होने तक कुक करेंगे। ये देखिए हमारी अनियन अच्छे से कुक हो गई है। अब मैं यहाँ पर 1 कप चॉप टोमेटोज ऐड कर रही हूँ। इसको थोड़ी देर कुक करने के बाद मैं यहाँ पर ऐड करूंगी 1/2 टेबलस्पून सॉल्ट। सॉल्ट हम ऑलरेडी दाल में ऐड कर चुके थे बॉईल करते समय, इसलिए मैं यहाँ पर सिर्फ 1/2 टीस्पून सॉल्ट ऐड कर रही हूँ। अगर आप ज्यादा सॉल्ट खाना पसंद करते हैं तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग सॉल्ट ऐड कर सकते हैं। इसको कुक होने देंगे ताकि हमारे टमाटर थोड़े से सॉफ्ट हो जाएं। अब हम यहाँ पर अपनी दाल को ऐड कर देंगे। दाल को ऐड करने के बाद मैं यहाँ पर 1/2 कप वाटर भी ऐड कर रही हूँ। ये सारी चीजें ऐड करने के बाद हम इसको कवर करके सिमर होने देंगे 10 से 12 मिनट के लिए। जब तक हमारी दाल सिमर हो रही है हम अपने तड़के को भी रेडी कर लेते हैं। तड़का बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 2 टेबलस्पून घी लिया है। आपको यहाँ पर भी मीडियम फ्लेम रखना है। घी मेल्ट होने के बाद हम इसमें 1 टीस्पून जीरा ऐड कर देंगे। हमें जीरे को गोल्डन ब्राउन करना है। अब मैं इसमें अपने होल स्पाइसेस ऐड कर दूंगी, जिसमें मैंने लाल मिर्च, लौंग और काली मिर्च ली है। इनको ऐड कर देंगे अच्छे से। जब हमारे जो स्पाइसेस हैं ये भुन जाएंगे थोड़े से तो मैं यहाँ पर ग्रीन चिलीज ऐड कर दूंगी। अगर आप स्पाइसी खाना नहीं पसंद करते हैं तो आप चिलीज ऐड ना करें। 1/4 टीस्पून हींग ऐड कर रही हूँ। अब मैं यहाँ पर ऐड कर दूंगी 1/2 टीस्पून देगी मिर्च और 1/2 टीस्पून कोरिएंडर पाउडर। इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इस तड़के को दाल में लगा देंगे और ये देखिए हमारी दाल तड़का बनकर बिल्कुल तैयार है। कितनी यमी लग रही है, ट्राई करिए और एंजॉय करिए।